सारे ने सस्त्रकाल मेरा। और आप सारे कैसे से हो? सॉरी शुभांकर भैया, कैसे हो? ठीक है, तो आज का वीडियो एक रिव्यू पे है, और वो रिव्यू है हमारे मिंत्रा के टी शर्ट का, यो बॉयज आई एम सिंगिंग सॉन्ग। तो आज का वीडियो है हमारा एक रिव्यू के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, वो सस्ती टी शर्ट है। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही होगी? हाँ, तो ये रिव्यू है एक टी शर्ट के लिए, जो फिर से हम लोग ने स्क्रॉल करते हुए अपने खोजबीन ना जांच करते हुए एक टी शर्ट निकाला, जो मैं बताता बिना दिखाए कैसे बताऊँ इसके बारे में। तो चलिए, मेरे पास पैकेट 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 तो ये कपड़े जो सूख रहे हैं वो कपड़े नहीं है, ये हमारा कपड़ा पैकेट में है। ठीक है, तो इसको तो ये रहा हमारा टी शर्ट। तो ये पीच कलर में, या बोल सकते हैं आप पिंक में है, पीच ही बोला जाएगा इसे। और अगर ये कैमरा में आपको वाइट सॉरी पिंक दिख रहा होगा, बट हाँ, तो मैं इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा, ये टी शर्ट है मस्ट एंड हार्बर का। ये देखिए, आप यहाँ पे टैग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे प्रिंटिंग प्राइस है 699, मतलब 700, और ये हमें पड़ी है सिर्फ 207 रुपीज में, एकदम मस्त। और मुझे सबसे अच्छी बात इस टी शर्ट की ये लगी, ये देख सकते हैं आप, आपको किसी को लग रहा होगा ये लड़की वाला, बट ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा प्रिंट जो देखिए यहाँ पे, ये जो फ्लावर का दिया हुआ है, और आपको लग रहा होगा ये ग्राफिक डिज़ाइन क्या हो, बट ऐसा नहीं है, स्टिचेस क्या हो गया है इसमें, एम्ब्रॉयडरी किया गया है इसमें, और क्या लिखा है, कुछ भी लिखा नहीं पता। और इसका कलर कुछ यूनिक कलर है, ये जैसे लड़के का आप देखोगे नहीं कि लड़के लोग ज़्यादा इसे पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि लड़की वाला, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, हम आपकी सोच को बिल्कुल बदल के रख देंगे, ये हमारी सरकार है। तो अब आते हैं इसके क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी की बात की जाए तो एक नंबर, एकदम रैप्चिक मस्त मस्ट एंड हार्बर मस्त है। ठीक है, तो आते हैं स्टिचेस के ऊपर पे। तो ये देखिए, मैंने उल्टा किया इस टी शर्ट को, दिखा दो आगे लाना। हाँ, तो स्टिचेस देखा जाए इसका, ये देख सकते हैं आप, कॉलर की तरफ से देखे जाए और इसके हाथ की तरफ, आई रही इसकी एम्ब्रॉयडरी पीछे से, जो बैक से इस तरह से लगाई गई है। ठीक है, और इस टी शर्ट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही सही है, ऐसा नहीं कि आपका कपड़ा सिंक कर जाएगा, ये कॉटन है। ठीक है, एक कपड़े होते हैं जो धोने के बाद नेक्स्ट टाइम से मतलब सिंक कर जाते हैं, थोड़ा ये हो जाता है, बट वैसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी क्वालिटी एक नंबर है इसमें, मतलब कोई आपको 207 में कैसी क्वालिटी चाहिए, इस तरह की मिलके बहुत है आपके लिए, बहुत क्या, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी डील है आपके लिए ये टी शर्ट। और इसे आप ब्लैक जीन्स हो गया, ब्लू जीन्स हो गया, हाँ डार्क ब्लू डेनिम के साथ और पहन सकते, बहुत ही सही लुक देगा आपको, एक यूनिक आएगा, कुछ लड़की वाला फील नहीं, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको कुछ अलग पहन के स्टैंड आउट करना है, यूनिक लगना है, तो थोड़ा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने अंदर, और अंदर से जब रहेगा तब वो चीज़ बाहर भी आपकी झलकती है। तो ये रहा हमारा टी शर्ट। हाँ, तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। तो ये इस ब्रांड की टी शर्ट हमारी ये पहली टी शर्ट है, और जैसा कि आपने हमारे बाकी रिव्यूज़ वीडियो में देखा हो कि हम लोग ज़्यादातर रोडस्टार के मतलब कपड़े लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है जो मिंत्रा पे कम दाम पर, और उसका एक फैब्रिक क्वालिटी जो होता है टी शर्ट का, हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। बट इस टाइम ने हमने कुछ नया ट्राई किया है ना, कुछ नए ब्रांड की तरफ हम लोग गए, और इसका डील हमें बहुत अच्छा मिला, इसी वजह से ये हमें लेना और ही ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि 207 लेना बनता ही है। ये टी शर्ट ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और ये हमारे उम्मीदों पे खड़ा उतरा, और रुक जा। और बात करें इस टी शर्ट की, तो आपको अगर अभी भी डाउट है कि इस कलर का ऐसा वैसा कुछ, अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए, और बिंदास अपने स्टाइलिंग को एक अलग मुकाम या लेवल पे ले जाइए। तो बात आती है अब इस टी शर्ट के बारे में, तो हमारे तरफ से ये बिल्कुल आपको रिकमेंड करते हैं आपको ये टी शर्ट,
और आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें इस टी शर्ट को। और आपको तो पता ही है मिंत्रा का पॉलिसी, अगर आपको नहीं पसंद आता है देन आप इसे रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे आपको आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। और मेरी वहाँ तो एक बार जरूर ट्राई करो यार, कुछ तो नया आना ही चाहिए। और हम लोग जाने जाते हैं कुछ समथिंग न्यू। मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं इतना आपको बोर नहीं करूँगा या कुछ भी, मैं जो होता पॉइंट ऑफ पॉइंट आपके सामने बात रखूँगा और इसका रिव्यू दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री में चल जाऊँ ये करूँ, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सामने जो सच बात है, क्योंकि हम लोग भी इसे ट्राई करते हैं, हमारा खुद का भी एक एक्सपीरियंस रहता है जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप जानते ही हो जमशेदपुर के लौंडे बिल्कुल एकदम। तो हाँ, इसी बात पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, तो इसी के साथ बंद करते हैं इस रिव्यू वीडियो को, तो ले चलते हैं इसे एंड की तरफ, और सॉरी इसके एंडिंग की तरफ। तो होप सो हमारे साथ बने रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको कुछ भी की तरह क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको सजेशन देना है देन आप हमारे एक डिस्क्रिप्शन में जाएं, देन नीचे एक ब्लॉगिंग डायरी का पेज का होगा, आप उसमें जाकर हमें डीएम कर सकते हैं। आपका कुछ भी क्वेश्चन हो या आपका कुछ भी सजेशन देना हो, आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए, आप वहाँ पर डीएम करें। हम आपके लिए 24 घंटा नहीं बोल सकते हैं, आपके लिए हम जब तब रहे आपके लिए हम लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सत श्री अकाल सबको, और बने रहे हमारे साथ जैसे लौंडे।